सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं, 3 2 6 7 5 1 4 9। उसके बाद हम लोग ये देख लो, ये नंबर है, इसका जो 7 है उसका फेस वैल्यू और जो लोकल वैल्यू है उसका डिफरेंस निकलना है। तो चलो सबसे पहले होगा लोकल वैल्यू, सबसे पहले लिख लेते हैं लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों ही एक है। तो 7 यानी 7 का तो 7 गुना 1 बचेगा और बाकी 4 डिजिट है, इसलिए 40 यानी 7 गुना 10,000 यानी 70,000। या पर ये भी बोल सकते हैं 7 गुना 1 यानी 7 और बाकी 4 शून्य। उसके बाद फेस वैल्यू 7 का फेस वैल्यू 7 ही होता है। अगर किसी भी नंबर का फेस वैल्यू दिया हुआ है ना तो उसी का वही होता है, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस डिफरेंस होगा यानी लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। यानी लोकल वैल्यू कितना था, लोकल वैल्यू था 70,000 और फेस वैल्यू था 7। इससे हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 3,999 और ये 6, ठीक है। यही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इतनी देर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।